हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा द निटर। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, लेडीज, जेंट्स, बेबी स्वेटर। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को देखिए दोनों तरफ से हम यूज कर सकते हैं। रिवर्सिबल पैटर्न है ये, इस तरह से रॉन्ग साइड से दिखता है और राइट साइड से ये ऐसा दिखता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 5 के मल्टीपल में प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। और हमारी जो डिज़ाइन है ये 8 सलाइयों में बनती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है ये 8 सलाइयों का डिज़ाइन है। बीच में हमने 2 सलाइयाँ राइट साइड से सीधे फंदे, रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद जो है हमारा पैटर्न रिपीट और शिफ्ट होता है। देखिए पैटर्न हमने यही 8 सलाइयाँ रिपीट करनी होती हैं, बट देखिए पैटर्न की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जहाँ पर हमने ये सिंपल फंदे बुने हैं वहाँ पर डिज़ाइन हो जाता है, और जहाँ पर हमारी डिज़ाइन थी वहाँ पर ये सिंपल फंदे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 27 फंदे लिए हुए हैं, 5 के मल्टीपल में 25 प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स हम बनाएंगे फर्स्ट रॉ राइट साइड से। तो देखिए हमने कैसे करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे बनाए इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट 5 फंदों पर हम डिजाइन डालेंगे। तो देखिए एक फंदा उल्टा बनाएंगे इस तरह से, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये फंदा दिख रहा है आपको, इसमें हम यहाँ पर सिलाई न डालकर इसके नीचे देखिए फर्स्ट होल में सिलाई डालेंगे और यहाँ से इसे सीधा बना लेंगे इस तरह से। 2 हो गए। देखिए अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे, अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये फंदे में सिलाई न डालकर यहाँ पर सिलाई नहीं डालेंगे, इसके नीचे देखिए ध्यान से यहाँ पर हम सिलाई डालेंगे पहले होल में इस तरह से। देखिए अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग का स्टिच छोड़ के हमने यही 10 फंदों का पैटर्न रिपीट करते जाना है। तो फिर से देखिए 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब 5 फंदों पर डिजाइन डालेंगे। देखिए एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब फंदे में से न बुनकर इसके नीचे पहले होल में सिलाई डालेंगे और यहाँ से इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए फंदे में सिलाई नहीं डालेंगे, इसके नीचे यहाँ से पहले होल से सिलाई डालकर इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए 5 फंदों पर हमारी डिजाइन कम्प्लीट हो गई। लास्ट में हमारे जो है 5 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे उल्टे आए, धागा पीछे करेंगे, स्टिच राइट साइड से सीधा बुनेंगे। तो हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हुई। और अब हम बनाएंगे सेकेंड रॉ रॉन्ग साइड से, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे बनाए, अब धागा पीछे करेंगे इस तरह से। अब देखिए ये वाला फंदा देखिए सीधा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए फंदे में सिलाई नहीं डालेंगे, इसके नीचे देखिए जो पहला होल है यहाँ पर सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बुन लेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए फंदे में सिलाई न डालकर इसके नीचे से बुनेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे इस तरह से। अब देखिए फंदे में नहीं बुनेंगे, फंदे के नीचे से सिलाई डालकर बुनेंगे पहले होल से। ये देखिए 5 फंदे उल्टे बनाए और 5 फंदों पर डिजाइन डाला। तो स्टार्टिंग का एक फंदा छोड़ के हमने यही 10 फंदों का पैटर्न रिपीट करते जाना है। अब देखिए फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे, लेकिन देखिए फंदे से नहीं बुनेंगे, फंदे के नीचे सिलाई डालकर बुनेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए फिर से फंदे के नीचे सिलाई डालेंगे पहले होल से, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा इस तरह से, धागा पीछे करेंगे, फंदे के नीचे सिलाई डालकर पहले होल से बुनेंगे इस तरह से। देखिए अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे बनाए, स्टिच का फंदा है इसे रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये हमारा स्टिच है।
तो अब हम बनाएंगे थर्ड रॉ राइट साइड से। तो फ्रेंड्स हमने थर्ड रॉ को भी बिल्कुल फर्स्ट रॉ की तरह बुनना है, सेम एज फर्स्ट रॉ। तो देखिए पला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे उल्टे हुए। अब देखिए नेक्स्ट पांच फंदों में हम डिजाइन डालेंगे, तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए इसको फंदे में नहीं डालेंगे सिलाई, फंदे के नीचे पहले होल से सिलाई डालकर सीधा बनाएंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ फर्स्ट होल से सिलाई डालकर सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। देखिए अब हमने स्टार्टिंग का स्टिच छोड़ के यहीं 10 फंदे रिपीट करते जाना है, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे। अब नेक्स्ट पांच फंदों में डिजाइन डालेंगे, तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे लेकिन फर्स्ट होल में सिलाई डालकर इस तरह से, और एक फंदा सिलाई से उतार देंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे लेकिन फर्स्ट होल में सिलाई डालकर बुनेंगे, ध्यान दीजिएगा इस तरह से, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, राइट साइड से एस्टी सीधा बुनेंगे। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे फोर्थ रॉ रॉन्ग साइड से। तो हमने फोर्थ रॉ को सेम सेकेंड रॉ की तरह बनाना है इस तरह से। देखिए तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे लेकिन फर्स्ट होल में सिलाई डालकर बुनेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे लेकिन यहाँ नीचे से फर्स्ट होल में सिलाई डालेंगे, यहाँ से बुनेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे लेकिन देखिए फंदे में सिलाई नहीं डालेंगे, इसके नीचे यहाँ फर्स्ट होल में सिलाई डालेंगे और यहाँ से इसे सीधा बुनेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग का एक फंदा छोड़ के हमने यहीं 10 फंदों का पैटर्न रिपीट करना है, पांच फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, पांच फंदों में डिजाइन डालना है। अब देखिए फिर से पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, अब नेक्स्ट पांच फंदों में डिजाइन पड़ेगा। तो देखिए यहाँ फर्स्ट होल में सिलाई डालेंगे और यहाँ से इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये वाला फंदा फर्स्ट होल में सिलाई डालकर सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे, एस्टिच राइट साइड से सीधा बनाएंगे। तो अब हम बनाएंगे फिफ्थ रॉ राइट साइड से। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ रॉ पांचवी सिलाई भी हमने फर्स्ट रॉ की तरह ही बनानी है। तो देखिए पांच फंदे उल्टे हुए, पांच फंदों पर डिजाइन डालेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पहले हमने सिलाई डालकर इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पले होल में सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग का एक फंदा छोड़ के हमने यही 10 फंदे रिपीट करते जाने हैं। अब फिर से पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, अब पांच फंदों में डिजाइन डालेंगे, तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा लेकिन फर्स्ट होल में सिलाई डालकर बुनेंगे, इसी का ध्यान दीजिएगा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए इस तरह से बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से धागा पीछे करेंगे, स्टिच राइट साइड से सीधा बनाएंगे। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे सिक्स रॉ। तो इसे हमने सेकेंड रॉ की तरह बनाना है। फिर से पहला फंदा स्लिप करेंगे, पाँच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए इस तरह से बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फर्स्ट होल में सिलाई डालकर बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमने इस तरह से फर्स्ट होल में सिलाई डालकर बुनना है। फिर से पाँच फंदे उल्टे, एक
दो तीन चार पाँच धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा फर्स्ट रूल में सिलाई डालते हुए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए बनाएंगे। इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट में पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, और स्टिच रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे। हम बनाएंगे सेवंथ रॉ, तो इसे हमने फर्स्ट रॉ की तरह सेवंथ रॉ को भी बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, पाँच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच उल्टे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये वाला फंदा सीधा लेकिन फर्स्ट होल में सिलाई डालकर बनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर से पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच। अब पांच फंदों में डिजाइन डालेंगे, तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, राइट साइड से एस्ट सीधा बुनेंगे। तो हमारी सेवंथ रॉ कंप्लीट हुई। अब हम बनाएंगे एट रॉ रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो दो तीन चार पाँच, धागा पीछे करेंगे। अब पांच फंदों पर डिजाइन डालेंगे, देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा लेकिन फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा ये इस तरह से, धागा अपनी तरफ करेंगे, पाँच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए, इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, पाँच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, स्टिच रॉन्ग साइड से उल्टा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारी आठ सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, देखिए इस तरह से। और अब हम बनाएंगे नाइन्थ रॉ, तो इसे हमने जो है पहला फंदा स्लिप करना है और सारे फंदों को सीधा बनाते हुए हम इस नाइन्थ रॉ को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे टेंथ रॉ रॉन्ग साइड से, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने इस टेंथ रॉ को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो पैटर्न है एक बार कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा पैटर्न रिपीट और शिफ्ट होगा। तो देखिए हमने यही आठ सिलाइयाँ रिपीट करनी है, और जो पैटर्न है हमारा, अब देखिए ये जो पांच फंदे हैं इन पर हमने डिजाइन डालना है, और जो ये डिजाइन है यहाँ पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो देखिए कैसे करना है, ये हमारी है अलेवंथ रॉ राइट साइड से। तो देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और इसके बाद हमने पांच फंदों पर देखिए एक फंदा उल्टा बनाना है, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे लेकिन फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए, इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए ये पांच फंदों पर डिजाइन डाल लिया, अब जो पांच फंदे हैं इनको उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग का एक फंदा एस्टिच को छोड़ के हमने यही दस फंदे अब रिपीट करते जाने हैं। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा लेकिन फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए बुनेंगे नीचे से, देखिए एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, इस तरह से। अब देखिए पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे उल्टे। अब पाँच फंदों पर डिजाइन पड़ेगा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे,
राइट साइड से एचटी सीधा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी 11th रो कंप्लीट हुई और अब हम बनाएंगे 12th रो रॉन्ग साइड से। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये वाला फंदा हमने सीधा बनाना है, लेकिन देखिए फंदे में न बुनकर इसके नीचे सिलाई डालेंगे यहाँ से और बुनेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा इस तरह से, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए। ये 5 फंदों पर डिजाइन हो गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग का एक फंदा एसटी छोड़ के हमने यही 10 फंदे रिपीट करते जाना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए इस तरह से, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा फर्स्ट होल में सिलाई डालते हुए बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एच स्टिच रॉन्ग साइड से उल्टा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी 12th रो कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हमने जिस तरह से 11th रो बनाई है उसी तरह से हमने 13, 15 और 17th रो को बनाना है, और जिस तरह से हमने 12th रो बनाई है उसी तरह से हमने 14, 16 और 18th रो को बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स बनने को ये डिज़ाइन 8 सिलाइयों में बन जाती है और 2 सिलाइयाँ बीच में हम गैपिंग की डालते हैं, और फिर उसके बाद हमारा पैटर्न जो होता है वो रिपीट और शिफ्ट होता है। पैटर्न की पोजीशन चेंज हो जाती है, बट डिज़ाइन जो यहाँ पे बनी है बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पर बनाना होता है। यहाँ 5 फंदों पर डिज़ाइन डालते हैं और यहाँ 5 फंदे उल्टे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी 18 सिलाइयाँ कम्प्लीट हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारा पैटर्न देखिए कम्प्लीट हो चुका है। तो फिर से हमने जो है फ्रेंड्स ये पैटर्न जो है ये 8 ही सिलाइयों का है, और बीच में उसके बाद हम पैटर्न को जो पोजीशन है वो चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले बीच में हमने 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनानी होती हैं, राइट साइड से सीधी और रॉन्ग साइड से उल्टी, जो देखिए यहाँ पर हमने बीच में बनाई है। और फिर से हमने 8 सिलाइयों में पैटर्न बनाया है, लेकिन पैटर्न की पोजीशन चेंज कर दी। यहाँ पर हमने उल्टे फंदे बनाए थे और यहाँ पर 5 फंदों पर डिजाइन डाला था। अब ये 5 फंदों पर डिजाइन पड़ा है और ये 5 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं, बस चेंज यही थोड़ा सा है। और अब फिर से देखिए हमने ये 18 सिलाइयाँ हमारी बन चुकी हैं। अब फिर से हम यहाँ पर 2 सिलाइयाँ बना लेंगे, राइट साइड से सीधे फंदे बुनते हुए और रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बुनते हुए, और पैटर्न हमारा जो है वापस से 1st रो से शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।